अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार भरा दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। आज इस ख्वाब की ताबीर मैं आपको बता रही हूँ वो है ख्वाब में चावल देखना। ख्वाब में चावल देखना, चाहे चावल कच्चे हों या पके, मीठे हों या पुलाव, दूध हो या चावल, दही हो या चावल, इन सब की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। तो चलते हैं इनकी ताबीरात की तरफ। अगर कोई शख्स ख्वाब में कच्चे चावल देखे तो इसे कारोबार में बहुत नफ़ा होगा, खुशी और मसरत हासिल होगी। अगर मीठे चावल हैं या पुलाव पके हुए हैं और दस्तरखान पर देखे और देखे कि वो अपने अहले खाना के साथ खा रहा है तो इसकी दलील बहुत अच्छी है। नफ़ा और खुशी पाए, दीन में तरक्की हासिल हो, दौलतमंदी हाथ आए। अगर ख्वाब में देख रहा है कि दही और चावल खा रहा है तो दलील है रंजो गम में गिरफ्तार हो, परेशानी का बायस बने, उसे चाहिए फ़ौरन सदका दे, तौबा अस्तगफार करे, क्योंकि सदका हर बला को टालता है। अगर दूध चावल खा रहा है तो दलील है तंदरुस्ती, दौलतमंदी और खुशी हाथ आए। ये थी आज की ख्वाब और उसकी ताबीर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली ख्वाब और उसकी ताबीरात के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी करें और थम्स अप भी दें। शुक्रिया।